है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो गया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये पी नॉट ए इस तरफ ले आया, तो एक्स बी क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, एंड दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे ही हम क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और वो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट होगा, रिलेटिव डिक्रीमेंट, वो रिलेटिव वेपर लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी के लिए, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इज दैट क्लियर? अब हम यहां इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे दो डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे। पहला केस, यहां तक समझ में आया आप सब लोगों को? ठीक है, अब यहां हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। पहला केस, हमने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि मैंने जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल। मतलब सपोज इफ आई एम टेकिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इन विच आई हैव एडेड ओनली 1 or 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा। तो नाउ दिस एन ए प्लस एन बी इज नियरली इक्वल टू एन ए, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, एन बी की जगह रख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए, ये अमाउंट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, अमाउंट ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, पर इसमें कंडीशन क्या है, जब मेरे सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन सेकेंड केस, कि सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है, व्हेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, कि इफ आई हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड इन दैट आई हैव एडेड 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 100 ग्राम में 30 ग्राम सॉल्यूट नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करें इस कंडीशंस के, इस सिचुएशंस के, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप सॉल्यूट का जो अमाउंट दे रखा है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है या सिग्निफिकेंट है। नेग्लिजिबल है तो ये चीज यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट है तो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट है तो पहले इस एक्सप्रेशन को उल्टा किया, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। अब डिवाइड किया एन ए अपॉन एन बी प्लस वन, एन बी से एन बी डिवाइड हुआ तो वन आया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। अब ये वन इस तरफ ट्रांसफर किया, एन ए अपॉन एन बी इज
is equals to P naught A minus P A minus 1. N A upon N B is equals to P naught A, ये LCM ले लिया P naught A minus P A, और ये हो जाएगा minus P naught A और ये plus P A. तो ये expression, ये minus plus minus cancel हो गए. तो N A upon N B क्या आया? P A upon P naught A minus P A. अब इस expression को मैंने वापस उल्टा कर दिया. So now this NB by NA is equals to P naught A minus PA upon PA. Difference देखिए, जब मेरा negligible amount था तब मेरा expression ये है, denominator में P naught A है, लेकिन जैसे ही मेरा significant amount होगा तो मेरा expression ये बनेगा, जिसके अंदर denominator में क्या है, PA है. P naught A की जगह क्या आ जाएगा, PA. PA is a partial pressure of A, partial pressure of solution, not the partial pressure of solvent, pure solvent. वो नहीं लेंगे. जब भी आपका significant amount होगा, तो यहाँ आप expression क्या बन जाएगा? K second का expression क्या बनेगा? That is WB into MA upon WA into MB is equals to P naught A minus PA upon PA. ये expression हो जाएगा. यदि नेग्लिजिबल अमाउंट होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा तो ये वाला रहेगा. बस चेंज क्या हुआ, यहां डिनोमिनेटर में पी नॉट ए आ रहा है, यहां पी ए आ रहा है. कभी कभार देखो, मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में यही सिचुएशन दे रखी होती है क्वेश्चंस, लेकिन 5% केसेस में ये दे रखा होता है. तो ये इसलिए दे रखा होता ताकि पता चलता है कि आपने प्रॉपरली आर्टिकल को डिस्कस किया है या नहीं किया है. तो आपको ध्यान रखना है कि सल्यूट का, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल ऐड हो रहा है या फिर सिग्निफिकेंट ऐड हो रहा है. इज दैट क्लियर? सो दैट वी हैव डिस्कस्ड द वेपर प्रेशर, दो आर्टिकल हमने आज डिस्कस किए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. इस आर्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? Now we discussed the vapor pressure question related to this topic, that vapor pressure of solution containing non-volatile solute. So that is equals to XB is equals to P naught A minus PA upon P naught A. Now question is like that, a vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 bar, means aapka solvent jo hai, that is benzene, and its vapor pressure in a pure state is 0.850 bar. Now a non-volatile solute of mass 0.5 gram when added into the 39 gram of benzene, means mass of solute, that is WB, that is 0.5 gram, and mass of solvent is 39 gram. सल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है. व्हेन यू ऐड 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इनटू द 39 ग्राम ऑफ वॉलेटाइल बेंजीन, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म इज नाउ 0.845 बार. मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 0.850 बार. जैसे ही आपने इसके अंदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होके कितना हो गया, 0.845. तो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा है. तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज MB. That is molar mass of non-volatile solute. अब अभी मैंने डिस्कस किया कि XB is equals to P naught A minus PA upon P naught A. इसके अंदर मैंने दो केसेस डिस्कस किए थे. पहला केस मैंने बताया था कि
जब आपका सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तो ये XB, नॉर्मली XB क्या होता है, NB ये होता है मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन क्या है कि द मोल्स ऑफ सोल्यूट इज लेसर देन द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसके कंपैरिजन में सोल्यूट के मोल्स जो है वो सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। सो ये Na plus Nb जो हो जाएगा दैट इज नियरली इक्वल्स टू Na, तो ये हो जाएगा Nb by Na is equal to P not A minus Pa upon P not A, क्योंकि 39 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूट का अमाउंट सिर्फ 0.5 ग्राम है, तो इसलिए हम XB की जगह क्या ले लेंगे, Nb by Na, तो दैट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो Nb is WB by Mb into WA by Ma, so that is a actual expression। अब इसके अंदर आपके पास आपको ये Mb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, WB दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, Ma that is a molar mass of benzene, Ma is molar mass of benzene, तो बेंजीन होता है C6H6, तो ये हो गया 78 ग्राम पर मोल, तो ये हो गया 78। पी नॉट ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है, बाकी सारे वेरिएबल दिए हुए, एम बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम बी, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या हो गई 0.5, Ma that is 78 upon Mb that calculate करना है X, WA की value 39, P not 850 minus 0.845 divide by 0.850, ठीक है। अब ये और ये cancel हो गए क्योंकि 78 into 1 by 2 That is 39 और 39 कैंसिल हो गए, तो अब 1 by x is equals to 0.005 divided by 0.850, ठीक है, ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो गया, x 5x is equals to 850, तो x की वैल्यू हो गई 850 by 5, तो x की वैल्यू हो गई 5 ones are 5, 170 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल्स। सो दैट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब इसमें देखिए आपको मोलर मास पूछा है, इसके अंदर इसमें काफी सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल्स आपको गिवन करके बाकी कोई भी एक वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल आपको पूछ सकते हैं। यहां हमने ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सिग्निफिकेंट तो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, इस तरह वाला एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, यहां पी नॉट ए की जगह क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। ये मैंने लास्ट सेशन में ये आपको क्लियर आउट किया था कि एक्सप्रेशन कैसे आया था, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो एक बार, आज मैं वीडियोज अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। एनी डाउट वंदन, हेलो, समझ में आया, Now we discuss the classification of volatile solution. हमने last class में discuss किया था vapor pressure of solution containing volatile components, volatile liquids. ठीक है, तो उन तरीके के solutions का classifications करना है, means a solution which consists of both solute and solvent volatile in nature, so
इस तरीके के सॉल्यूशंस के क्या टाइप हो सकते हैं? सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, मतलब जो आपके कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल है, मींस दोनों की वेपर बनाने की टेंडेंसी है. तो इस तरीके के सॉल्यूशंस के क्या टाइप हो सकते हैं? दे वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन and non-ideal solution. The ideal solutions obeys Raoult's law at every value of concentration and temperature. मतलब concentration और temperature की सारी values के लिए जो Raoult's law follow करते हैं उनको हम ideal solution बोलते हैं, और जो Raoult's law follow नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Non-ideal solution. ठीक है, तो ideal solutions क्या होते हैं? Obey Raoult's law. क्या फॉलो करते हैं? Raoult's law. एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं? Doesn't obey the Raoult's law. Now नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन from Raoult's law and second is negative deviation from Raoult's law. Non-ideal solution को हम दो category में further divide करते हैं, positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. So three categories of solution which consist of volatile component, ideal solution, positive deviation from Raoult law solution and negative deviation from Raoult law solution. Now we are discussing the difference between these three kinds of solution in the tabular format. So in three solution mein hum tabular format mein difference discuss karte hain. Theek hai, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस मेजरली आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. विजिबल है बोर्ड? आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट हम कर लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स. So first difference हम already discuss कर चुके हैं. Ideal solution क्या होता है? Obeys Raoult's law at every concentration and temperature of solution. Temperature, concentration की सारी value के लिए क्या करते हैं? Raoult's law follow करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, और ये आपके क्या करते हैं?
आवे नहीं करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट व्हेन यू ऐड टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स मींस वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ आइडियल सॉल्यूशन देन द एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो मीन्स आप क्या कर रहे हैं, जब वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके जब आप क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस नो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब।